हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सोनी टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो इंडियन आइडल के बारे में। तो गाइस, इंडियन आइडल हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा फेमस सिंगिंग रियलिटी शो है और वापस आने वाला है अपने सीजन 14 के साथ। तो सीजन 14 के कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। करंटली सीजन 14 को प्लान करा जा रहा है और मैं आपको बता दूं कि नेहा कक्कर हमें मोस्टली पिछले कई सीजन से देखने को मिल रही हैं इंडियन आइडल के जजेस सीट्स में, यानी कि जजेस में से एक नेहा कक्कर हुआ करती हैं। लेकिन गाइस, अब इसी पे कुछ अपडेट है और वो चेंज ये है, इस बार नेहा कक्कड़ नहीं देखने को मिलेंगी हमें इंडियन आइडल के नए सीजन में। तो इंडियन आइडल के नए सीजन में नेहा कक्कड़ वन ऑफ द जजेस नहीं होने वाली हैं। इस बार नेहा कक्कड़ को नहीं लिया गया है इंडियन आइडल के नए वाले सीजन में, और गैस उनकी जगह फेमस सिंगर श्रेया घोषाल इस बार करने वाली हैं जज इंडियन आइडल को, यानी कि वन ऑफ द जजेस में श्रेया इस बार रहने वाली हैं। रिसेंटली उनका बर्थडे भी था जहाँ पर उनकी काफ़ी अप्रिसिएशन वगैरह हर जगह इंटरनेट पे हो रही थी, और उनके गाने वगैरह तो सबको ही पसंद होते हैं, भले वो मेल्स हों भले फीमेल्स हों, सबके तरह के ये गाने बनाती हैं। तो इनकी जो सिंगिंग नॉलेज है वगैरह है वो तो सब अच्छी है ही, और वन ऑफ द जजेस में अब नेहा की जगह हमें श्रेया देखने को मिलेंगी। तो कुछ फैंस के लिए अपग्रेड होगा और कुछ के लिए डाउनग्रेड होगा, लेकिन आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप इस चीज़ से खुश हैं या फिर नहीं, नेहा कक्कर देखने को नहीं मिलेंगी नए वाले इंडियन आइडल में। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए नेहा और इंडियन आइडल के फैंस के साथ। सारी अपकमिंग इंडियन आइडल की न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।